जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया भारतीय टीम की बल्लेबाजों का भयंकर तूफान। बीच मैदान पर ही मुश्किल समय में खेली ऐसी तूफानी पारी की देखने के बाद आप भी हो जाओगे खुश। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है उसमें कैसे भारतीय टीम की बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीत लिया उसी के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रही थी मिताली राज, तो उस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाज जॉर्जिया ने किया कुछ ऐसा कि देखकर हर कोई रह गया हैरान, देखने के बाद आपको भी आएगा गुस्सा। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि केकेआर के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने मांगी पूरे भारत देश से माफी, वजह जानकर आप भी ठोकोगे उनको सलाम। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज यानी कि 21 सितंबर वाले दिन खेला जा रहा है, जहां पर आज के इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की शुरुआत हैरप पार्क स्टेडियम से हुई, जहां पर आज टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान मैग लैनिंग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर शुरुआती कुछ ओवरों में तो उनका फैसला इतना जबरदस्त साबित हुआ क्योंकि यहां पर भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज काफी जल्दी अपने विकेट गिरा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर जिस तरह से भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में वापसी करी वो काबिले तारीफ है। जी हां दोस्तों हम आपको बताएं कि आज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम उतरी तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आई सैफाली वर्मा और स्मृति मांदना, जहां पर सैफाली वर्मा और स्मृति मांदना से उम्मीद थी कि आज ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर जरूर भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में मदद करेंगी। लेकिन दोस्तों यहां पर किसी को क्या ही पता था कि शैफाली वर्मा जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए अपनी जानी जाती है, वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डार्स ब्राउन की गेंद पर एलिसा के हाथों कैच आउट हो गई, जहां पर शैफाली वर्मा आज के इस मुकाबले में 10 गेंदों में मात्र 8 रन ही बना सकी और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके भले ही लगाए थे। तो वहीं दोस्तों पहला बड़ा विकेट भारतीय टीम का मात्र 31 रन के स्कोर पर ही गिर गया था, जहां पर भारतीय महिला टीम यहीं से ही लड़खड़ाती हुई नजर आई। दरअसल दोस्तों शैफाली वर्मा के आउट होने के बाद जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्मृति मांदना उतरी तो स्मृति मांदना का भी विकेट डार्सी ब्राउन ने लिया। जी हां दोस्तों यहां पर डार्सी ब्राउन ने अपने 6 ओवर की पहली ही गेंद पर रिचेल हाइंस के हाथों स्मृति मांदना को कैच आउट करवाया, जहां पर स्मृति मांदना 18 गेंदों में मात्र 16 रन बनाकर ही आउट हो गई और यहां पर स्मृति मांदना ने अपनी 16 रन की पारी के दौरान एक चौका लगाया था। हालांकि दोस्तों स्मृति मांदना और शैफाली वर्मा के विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा मुश्किलों में थी क्योंकि 38 रन पर ही भारत के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। और उसके बाद फिर मैदान पर उतरी यस्तिका भाटिया और मिताली राज। जी हां दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज बखूबी अपने एक दूसरे का साथ निभाया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल दोस्तों यस्तिका भाटिया ने आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अभी खबर बोले जाने तक लाइव इतने रन बना लिए जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो। तो वहीं बात करें अगर भारतीय टीम की वनडे और टेस्ट कप्तान मिताली राज की, तो मिताली राज भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हुई दिखाई दी। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुरुआत में भले ही कुछ समय लिया लेकिन उस समय का उसके बाद उन्होंने काफी अच्छा उपयोग किया और दोनों की ही बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम अच्छे स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम की बल्लेबाजों के बारे में और आप इनको 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है एम्बियन बैट्समैन ने लगाया जेमिसन को 88 मीटर का छक्का, जिंदगी बदलने के लिए ठुकराई थी नौकरी। जी हां दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोमवार को अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 9 विकेट से रौंद दिया, जहां पर 8 मैचों में तीसरा मैच जीतने के साथ ही केकेआर की टीम पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। तो वहीं केकेआर की इस शानदार जीत के हीरो रहे अपना डेब्यू मैच खेल रहे वेंकटेश अय्यर है। जी हां दोस्तों 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों कमेंटेटर्स भी इस खिलाड़ी का बखान करते हुए नहीं थक रहे थे, जहां पर
पर 27 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलने वाले अय्यर ने अपनी छोटी सी पारी में कई खूबसूरत शॉट खेले, लेकिन इस दौरान उन्होंने जेमिसन की गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे आप भी बार बार देखना चाहोगे। बाकी अब आपकी क्या राय है वेंकटेश अय्यर की इस पारी के बारे में और आप उनको इस पारी के लिए क्या कहना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के पहले चरण में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर 7 में से 5 मैचों में जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जब सोमवार को 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ यहां मैदान पर खेलने उतरी, तो वहीं उसकी कोशिश अपनी लय उसी तरह से बरकरार रखने की होगी जैसा कि उन्होंने पहले भाग में कर दिखाया। हालांकि दोस्तों पहले चरण में 7 में से सिर्फ 2 मैच जीतने वाली केकेआर का इरादा नए सिरे से शुरुआत करने का होगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि मॉर्गन की अगुवाई वाली केकेआर 2014 की तरह भाग्य बदलने की उम्मीद कर रही है। जब उसने लगातार 9 मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया था तब टीम के लिए मेंटर डेविड हसी को भी उम्मीद थी कि टीम अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल रहेगी, लेकिन ये दोनों ही पहले चरण में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। जहां पर भारत ने बायो बबल में इस महामारी के मामले पाए जाने के कारण स्थगित किए गए आईपीएल 2021 के पहले चरण के 7 मैचों में गिल ने केवल 132 रन बनाए जबकि राणा ने 201 रन बनाए थे। इसके अलावा मॉर्गन को भी अच्छे प्रदर्शन की जरूरत है जहां पर दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, राहुल त्रिपाठी और शाकिब अल हसन से भी टीम को उपयोगी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तो वहीं दोस्तों केकेआर की गेंदबाजी न्यूजीलैंड की टीम साउदी पर निर्भर रहेगी जो कि दूसरे चरण में पैट कमिंग्स की जगह पर टीम से जुड़े हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आरसीबी अभी अच्छी स्थिति में है, कोहली और देवदत्त पड़िक्कल अच्छी शुरुआत देते हुए हम सभी को नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज का ये रोमांचक मुकाबला देखने में काफी ज्यादा हर किसी को मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर 2 चैंपियन टीमें आमने सामने होंगी और ऐसे में हर किसी को उम्मीद होगी कि कप्तान विराट कोहली के संन्यास की घोषणा के बाद वो आज एक बड़ी पारी खेलते हुए हम सभी को नजर आए और अपना एक अलग ही रंग वो दिखाएं जिसके लिए कि वो जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि हमने 120 और 130 रनों से आगे का लक्ष्य मुंबई इंडियंस की टीम को दिया, क्योंकि हम सभी को पता है कि मुंबई इंडियंस की टीम के लिए ना तो 120 रन ज्यादा है और ना ही 150 रन। मुंबई की टीम किसी भी तरह से इन आंकड़ों को आसानी से छू सकती है आगे बढ़ाएं और धोनी भाई की दी गई गाइडेंस के अंडर में ही हम रहे। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी शानदार बयान दिया। बाकी अब आपकी क्या राय है ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।